अज्ञात चीजों का रहस्य हमेशा से ही मानव के मन को आकर्षित करता रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत एक सुंदर देश है और कई रहस्यों से जुड़ा हुआ भी। आइए जानते हैं भारत से जुड़े कुछ ऐसे ही रहस्यमय स्थानों के बारे में। बंगाल का दलदल, आलिया भूत की रोशनी। आलिया रोशनी या दलदल भूत रोशनी अस्पष्टीकृत भूतिया स्थान है, जिसे मछुआरों द्वारा आमतौर पर पश्चिम बंगाल के दलदली इलाके में पाया गया। यह रोशनी मछुआरों के होश खोने और उन्हें भ्रमित करने के लिए मशहूर है। अगर कोई इन रोशनी से भ्रमित होकर उसके निकट पहुंचने का प्रयास करता है तो वह दलदल में डूब जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह अजीब दलदल से निकलने वाली रोशनी हकीकत में भूतिया छलावा है और यह रोशनी उन्हें प्रदर्शित करती है जो वहां मछली मारते समय मर गए थे। चौंकाने वाली बात यह है कि स्थानीय लोग कहते हैं कि यह रोशनी कभी उन्हें भ्रमित कर मारने की कोशिश करती है तो कभी उन्हें भविष्य के खतरों से बचने के लिए सचेत करती है, परंतु हकीकत कोई नहीं जानता। बन्नी घास के मैदान, चीड़ बत्ती। बन्नी घास के मैदान गुजरात के कच्छ के रण में दक्षिण किनारे पर स्थित है। यह एक मौसमी दलदली घास का मैदान है जो कि मानसून की बारिश से हर साल रूप लेता है। रात के दौरान यहाँ अस्पष्टीकृत अजीब नृत्य प्रकाश देखने की घटनाएं सामने आती रहती हैं, जिसे स्थानीय लोग चीड़ बत्ती कहते हैं। यह रोशनी एक पैरा लैंप जितनी चमकदार है और अपने रंग बदलती रहती है। यह एक नाशपत्ती फल के आकार का घूमता हुआ गेंद जैसा है। यह एक तीर की गति जितना अपना स्थानांतरण करते रहते हैं या फिर एक स्थान पे ही स्थिर हो जाते हैं। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार बन्नी घास के मैदान के चीड़ बत्ती उनके जीवन का एक हिस्सा रहा है और सदियों से देखा गया है। कुछ गवाहों का दावा है कि कभी कभी यह चीड़ बत्ती उनका पीछा भी करती है, पर इस रहस्य को आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से आने वाली रहस्यमयी आवाज। यह आवाज विशेष रूप से गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा क्षेत्रों में सुनाई पड़ती है और यह आवाज एक सुपरसोनिक जेट विमान की आवाज बूम जैसी लगती है। यह घटना तब से घटती आ रही है जब विमान का भी आविष्कार नहीं हुआ था। टीडी लेडिच एक ब्रिटिश अधिकारी ने अपनी पत्रिका में इस आवाज के बारे में लिखते हैं। 1890 के दशक में वह यह लिखते हैं कि यह बूम साउंड भूकंप के आने पर उत्पन्न होती है और कभी कभी बिना भूकंप के भी। लेकिन यह आवाज आखिर आती कैसे है यह स्पष्ट रूप से कोई पता नहीं लगा सका। कोंग का लापास लद्दाख। हिमालय में स्थित कोंग का लापास भारत और चीन के बीच का विवादित क्षेत्र है। चीनी आयोजित हिस्सा एक्साई चीन के नाम से जाना जाता है और भारतीय कब्जे का हिस्सा लद्दाख है। यहाँ कोई आता जाता नहीं है और दोनों देशों के समझौते के चलते यहाँ कोई सैनिक गश्त नहीं लगाता। सीमा के दोनों किनारे पर स्थानीय लोगों का मानना है कि इस क्षेत्र में एक भूमिगत यूएफओ का बसेरा है और इसके बारे में दोनों देशों को भी ज्ञात है। स्थानीय लोगों ने जमीन से यूएफओ को निकलते देखा है और यह घटना कई लोगों ने भी देखा है। स्थानीय गाइडों का कहना है कि यह घटनाएं कोई नई बात नहीं है, यह कोंकाला दर्रे में एक आम घटना है। पर्यटकों को दोनों देशों के बीच यात्रा करने का परमिट होने के बावजूद इस क्षेत्र में उन्हें आने से मना किया जाता है। रूपकुंड झील या कंकाल झील। रूपकुंड झील हिमालय की पर्वतमाला में लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। 1942 में वन रक्षक द्वारा रूपकुंड में सैकड़ों कंकाल देखे गए। यह देखकर वह बहुत हैरान हुए। उसके बाद से इन वर्षों में भारतीय और यूरोपीय वैज्ञानिकों ने उनकी मौत के रहस्य को सुलझाने का प्रयास किया और इन संरचित हड्डियों और खोपड़ियों के सिद्धांत को अच्छी तरह समझाने वाले कई तथ्य सामने आए। एक सिद्धांत ने
उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध से जापानी सैनिकों के अवशेष होने का सुझाव दिया। कईयों ने उन्हें कश्मीर के जनरल जोरावर सिंह के सैनिक होने का सिद्धांत दिया, जबकि अन्य उन्हें मोहम्मद तुगलक के असफल गढ़वाल हिमालय पर कब्जा करने का प्रयास बताते हैं। कार्बन डेटिंग शोध बताते हैं कि वे 12वीं और 15वीं सदी के हैं, हालांकि इसके पीछे छुपे रहस्य को कोई पूरी तरह स्पष्ट रूप से नहीं जानता। अब तक यह एक रहस्य ही है। कोडिनी, केरला, जुड़वों का गांव, लगभग 35 किलोमीटर कैलीकट के दक्षिण में स्थित कोडिनी एक गांव है। यहां तकरीबन 2000 परिवारों का घर है। गांव में मुस्लिम बहुमत में है और यह गांव अपने उच्च दर पे जुड़वा बच्चों का गांव माना जाता है। सन 2009 में 220 जुड़वाओं का जन्म हुआ और 3 बच्चों के 3 सेट दर्ज हैं। एक स्थानीय चिकित्सक कहते हैं कि इनकी तादाद 300 से 350 जुड़वाओं की है। एक और तथ्य यह चौंकाने वाला है कि कोडिनी गांव की महिलाएं जिन्होंने दूर दराज के इलाके में शादी की हैं, उनको भी बड़े पैमाने पर जुड़वा बच्चे हैं और इन जुड़वा बच्चों का एक बड़ा प्रतिशत 20 से कम आयु का है। जुड़वा बच्चों के पीछे रहस्य के तथ्यों को अब तक कोई भी नहीं जानता। अब तक यह एक रहस्य ही है। जतिंगा, असम, पक्षियों का सामूहिक आत्महत्या करना। असम के दिमा हसाओ जिले में जतिंगा एक गांव है। यहां की आबादी लगभग 2500 है। यह गांव पक्षियों के आत्महत्या की घटना के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जो भी पक्षी इस क्षेत्र से विस्थापित करता है वो यह गांव ना छोड़ते हुए रास्तों पर मृत पाया जाता है। एक और बात चौंकाने वाली यह है कि आत्महत्याएं ज्यादातर सितंबर और अक्टूबर माह में 6 से 9 के बीच चांदनी रात में ही होती हैं। यहां की जनजाति यह मानती है कि यह भूत प्रेतों और अदृश्य ताकतों का काम है और यह रहस्यमय घटना साल दर साल बिना रुके सदियों से होती आ रही है। कई वैज्ञानिकों ने इस घटना के सिद्धांतों की व्याख्या पेश की है। उनमें से सबसे मशहूर यह है कि इन पक्षियों को गांव की रोशनी भ्रमित और आकर्षित करती है, जिनसे ये आत्महत्या कर लेते हैं। और एक वैज्ञानिक धारणा के मुताबिक यहां तेज हवाओं से पक्षियों का संतुलन बिगड़ जाता है और वह आसपास मौजूद पेड़ों से टकराकर घायल हो जाती हैं और मर जाती हैं। हालांकि ऐसे और भी कई लोगों के सिद्धांत हैं, लेकिन कोई भी अभी तक इस घटना के पीछे का सटीक स्पष्टीकरण सच साबित करने में सक्षम नहीं हुआ है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें और नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे भविष्य में आने वाले वीडियोस आसानी से देख सकें। इससे हमारा मनोबल जरूर बढ़ेगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।